दोस्तों आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे रीजन डालूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे अगर पेमेंट को कम लेना है तो मैं इससे कम भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं 1000 भी कर सकता हूँ और 6000 भी कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको 6000 से ज़्यादा भी अमाउंट आपको मिल सकता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है बिना किसी इनकम प्रूफ, बिना सिबिल स्कोर के, बिना किसी मतलब बैंक स्टेटमेंट के बिना यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 6000 जो मैं मुझे जो लिमिट है वो मिला हुआ है। 3 महीने की टाइमिंग है। मैं यहाँ पे लोन पर्पस में सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेडिकल चलिए मेडिकल बिल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 महीने का टाइमिंग है, आपको लोन पर्पस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अमाउंट को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। जो अमाउंट आप ले रहे हो वो लोन यहाँ पे 6000 है। अब इसका परफॉर्म चार्ज है 1111 रुपीज़ राइट, और यहाँ पे प्लस GST हो गया है 199 रुपये। इंश्योरेंस कवर है यहाँ पे, इसे चाहो तो अनटिक कर सकते हो। इंश्योरेंस कवर का मैं मतलब आपको बता दूँ, यदि अगर आप इस अमाउंट को रीपेमेंट नहीं करते हो तो ये एप्लीकेशन एजे बजाज फाइनेंस की जैसे उस कंपनी से इंश्योरेंस वाली कंपनी से ये पेमेंट रिकवर करती है। इसलिए आप चाहो तो इसे अनटिक भी कर सकते हो। तो मे बी शायद मुझे हो सकता है कि अगर आदि को कुछ होता है तो ये कंपनी जो है ना आपके फैमिली लोगों से ये पेमेंट को रिकवर करे, तो आप चाहे तो 52 रुपीज़ के लिए इसे आप अनटिक मतलब ना करके टिक ही रहने दीजिए। ओके, स्क्रीन ऊपर लेकर के यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये है आपका EMI जो 2121 रुपये आपके EMI आते हैं। ओके, ये जो अमाउंट मुझे 6000 यहाँ पे अप्रूवल मिला ना, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इसकी मैं गारंटी कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोन पर्पस ले दिया हूँ। 3 महीने की टाइमिंग है, बाकी सारे चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया है। 3% इंटरेस्ट रेट पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ये बता रहा है। ओके, तो फाइनली मैं स्क्रीन ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लोन अप्लाई करता हूँ। एक्चुअल मुझे 6000 नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 6000 मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ। हालांकि मुझे लोन यहाँ पे चाहिए नहीं होगा, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया है, तो आई डोंट नो, हो सकता है ये अमाउंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में भी आ जाए, क्योंकि मैंने सारे स्टेप को मतलब कि कंप्लीट कर दिया है। RBI अप्रूवल वाली कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। याद दिला दूँ, ये इसके थंबनेल है, एक वीडियो मैंने यस्टरडे अपलोड किया था अपने चैनल पे, जहाँ पे बिना किसी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही आपको लोन मतलब मिल जा रहा है। तो इसे एक बार जरूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपको देखना चाहिए। और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, आप अपने मर्जी से प्ले स्टोर में जा करके किसी भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे ये फाइनल अप्लाई हो रहा है, उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल के आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे सजेशन भी दे सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लोन एप्लीकेशन यहाँ पे प्लीज़ वेट लिख रहा है। मैं यहाँ पे फाइनली अप्लाई जो है यहाँ पे मैं कर दिया है। अभी मैं प्ले स्टोर पर आया हूँ, आप देख पा रहे हो इस एप्लीकेशन की अबाउट है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, ये RBI रजिस्टर्ड NBFC वाली मतलब कि एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे आपके आंखों के सामने है। पर्सनल लोन अप टू 1,00,000 रुपये तक देती है। इंटरेस्ट रेट जो है इसकी थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो, अप टू 36% है, मतलब कि आपको 20%, 10%, 12% जो भी है एज़ पर ये किस्त हिसाब से ये लोग अप्लाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इनका टाइमिंग जो है देखिए 62 दिन से लेकर के आप 12 महीने तक का इनका टाइमिंग है। ओके, स्क्रीन ऊपर लेते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप जो है सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी होना चाहिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे यू मस्ट हैव द इंडियन, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट, और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बाकी का यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करने से पहले भाई लोगों का फीडबैक भी देखना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोगों का फीडबैक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैक्सिमम मैं देखा हूँ लोगों का फीडबैक जो है यहाँ पे 5 स्टार ही है, 3 स्टार है, 1 स्टार भी है। 1 स्टार में लोगों ने इसके ड्रॉबैक के बारे में बताया हुआ है, बाकी के ज़्यादा करके मैंने देखा यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है वो 5 स्टार की रेटिंग ही लोगों ने इसको दिया हुआ है। काफ़ी लोगों का कहना है कि एप्लीकेशन बहुत आसान तरीके से मतलब सब कुछ मेरा ठीक है, फिर भी जो है ये लोन मुझे रिजेक्ट किया है। यहाँ पर राजकुमार लिखा है, गुड एप्लीकेशन, लोन टाइमिंग जो बहुत मतलब क्विकली है, इंस्टेंट है, फास्ट है। इन्होंने अभी अजय कुमार सिंह भी लिखा है, ये वेरी नाइस एप्लीकेशन। तो मेरा कहने का मतलब लोगों का जो रिव्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4.6 की रेटिंग है इसकी,
और 10 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड, 4.6 की रेटिंग, मतलब बहुत ही हाई रेटिंग आप इसे कह सकते हैं, और 10 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। एप्लीकेशन के नाम की बात करें तो आप देख लीजिए स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप। इसमें एक सबसे बड़ी खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, मैंने यहाँ पे लोन को मैंने दोस्तों कैंसिल किया हुआ था, एक्चुअल मुझे लोन चाहिए होगा नहीं। आप यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बैंक के स्टेटमेंट अगर लास्ट 3 मंथ के अगर अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा ऑफर आपको मतलब देखने को मिल सकता है। अब ये क्लिक करने के लिए मतलब यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहीं पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ से आपकी जो मर्जी आए वो आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड पे, राइट, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ से फाइल आप यहाँ से उठाते हो, ओके, जैसे मैंने ये उठाया, उसके बाद अगर इसमें पासवर्ड होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे, तो ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पे देखिए जो है अपलोडिंग मतलब होना जो है स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से करके आप जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट जो है आप यहाँ पे जो है आप ले सकते हो। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे जो है दोस्तों ये प्रोसेसिंग लिख रहा है, कुछ टाइमिंग के बाद में यहाँ पे अप्रूवल और रिजेक्ट भी आपको यहाँ पे कर देगा, अगर लेटेस्ट अगर आपके बैंक के स्टेटमेंट नहीं होता है तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स और भी दिया है जहाँ पे आपको इंस्टेंट अमाउंट जो है अप्रूवल होता है, कोई किसी तरह से आपके बैंक के स्टेटमेंट नहीं मांगे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी तक आपको मन में मतलब इतना यहाँ तक आपने देखा है और कुछ आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।